व्हाट्स अप व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। जी हाँ गाइस, आज का टॉपिक जो रहने वाला है नेटवर्क बोर्ड, जो कि 500 वाट का है। तो गाइस, अभी मेरे पास है एक नेटवर्क बोर्ड जो कि HRD साउंड कंपोनेंट का है। तो गाइस, इसका थोड़ा अनबॉक्सिंग और साथ में रिव्यू कर लेते हैं, जो कि मैं इसको लगाने वाला हूँ ये वाले बॉक्स में। और ये वाला बॉक्स मैंने इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसका टेस्टिंग वगैरह ऑलरेडी डाल चुका हूँ। लेकिन क्या है गाइस कि ये जो वीडियो थोड़ा डिले करके आ रहा है, तो इसीलिए आपको माफ़ी चाहूँगा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं इस नेटवर्क बोर्ड का पूरा आपको कनेक्शन करके दिखाऊँगा, साथ में अनबॉक्सिंग और इसका ओवरव्यू थोड़ा दूंगा। तो गाइस, वीडियो पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए गाइस, इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और सबसे पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले HRD साउंड कंपोनेंट, इसका जो यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है HRD 1800W दिया गया है। और यहाँ पर थोड़ा इसका पिक्चर्स जो अंदर जो जैसा है वही पिक्चर यहाँ पर बाहर दिया गया है। तो गाइस, इस बॉक्स के दूसरे साइड में क्या क्या अवेलेबल है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर HRD लिखा गया है, साथ में साउंड कंपोनेंट लिखा गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग बाय HRD साउंड कंपोनेंट दिल्ली, जो कि दिल्ली का प्रोडक्ट है। और इसमें क्वांटिटी लिखा गया है 1 पीस, और दूसरा कुछ ब्लैंक है। और इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है यूज्ड विद ड्राइवर यूनिट टू कंट्रोल द वॉइस, यानी कि ड्राइवर यूनिट को कंट्रोल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। साथ में टाइप लिखा गया है, जो कि 2-way क्रॉसओवर है, तो जिसमें 2 स्पीकर लगे होते हैं तो 2-way है। साथ में पावर कैपेसिटी बात किया जाए तो मैक्सिमम 750 वाट तक ये लगा सकते हैं, इसमें हम लोग स्पीकर डाल सकते हैं। और साथ ही में एक क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो कि 2.5 हर्ट्ज तक देगा। और नॉमिनल इम्पीडेंस, यानी कि नॉमिनल इम्पीडेंस इसका 8 ओम से। साथ में हाई पास फिल्टर प्रोटेक्शन जो दिया गया है 12 dB तक दिया गया है प्लस माइनस में। और साथ में हाई पास फिल्टर स्लोप दिया गया है 10 dB, ऑक्टेव दिया गया है विथ प्रोटेक्शन। और डायमेंशन दिया गया है, इसका जो बॉक्स का डायमेंशन होगा या तो जो हमारे नेटवर्क प्लेट का डायमेंशन जो है, वाइड जो है 230 इंटू, हाई 220 इंटू, डेप जो है 265 mm का है। और वेट जो है इसका 1.060 kg अप्रोक्स है। और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का मेन कंटेंट, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और साथ में आप वीडियो पे बने रहे, थोड़ी देर बाद में मैं इसको कनेक्शन भी करना सिखाऊंगा। और यहाँ पर सर्किट वगैरह क्या क्या है मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये वायर केबल वायर वगैरह कौन सा वायर है, कहाँ कहाँ लगनी है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ में इसको कनेक्शन करके, बॉक्स के साथ में कनेक्शन करके और स्पीकर वगैरह टेस्ट करेंगे, और कैसा इसका परफॉर्मेंस देता है ये भी टेस्ट करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए गाइस। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, चलिए इसको थोड़ा हम लोग पन्नी से निकाल देते हैं। तो गाइस, ये 2-way नेटवर्क है, तो नेटवर्क बोर्ड है। तो यहाँ पर लिखा गया है जिसका मॉडल नंबर HRD 7200, और साथ में 600W × 2-way, यानी कि 600W जो स्पीकर हम लोग डाल सकते हैं इसमें। तो इसके दूसरे साइड में देखेंगे तो यहाँ से देखने से पता चल जाता है कि 2-way है। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक जो है, और साथ में ट्यूटर के लिए यहाँ पर है। और ये केबल वगैरह क्या क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। और गाइस, इसका केबल जो है यहाँ से जिप टाई से टाइट किया गया है, इसको थोड़ा खोल लेते हैं गाइस, और उसके बाद मैं बताता हूँ कौन सा वायर कहाँ कहाँ हम लोग को लगाना है, कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इधर पे क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ब्लैक और ये ग्रीन कलर का वायर जो है, ये हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि HF पे लगेगी। ये जो है ये HF का रेड वाले में जाएगा, और ये जो है कॉमन में जाएगा। और साथ में ये वाला जो है, ये जो आप देख रहे हैं येल्लो और ब्लैक, ये जो है एक स्पीकर में जाएगा, यानी कि हमारा डुअल है तो डुअल स्पीकर जाएगा, तो दूसरा भी है ऐसा ही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये वाला दूसरा स्पीकर में जाएगा, हम लोग को कनेक्ट करना है। येल्लो को हम लोग रेड वाले में, प्लस वाले में, और ये जो ब्लैक जो है इसको कॉमन वाले में करना है, यानी कि माइनस में कनेक्ट करना है। और साथ ही में यहाँ पर एक वायर दूसरा भी दिया गया है, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन, यानी कि जो स्पीकॉन में जाएगा, स्पीकॉन जो फीमेल स्पीकॉन होता है उसमें जाएगा कनेक्शन। तो रेड को रेड में, प्लस में, और ये जो है ब्लैक को माइनस में करना है, यानी कि कॉमन में करना है।
तो गाइस इसका कनेक्शन ये रहा, ऐसे करना है, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा भी। तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहे और चलते इसका कनेक्शन करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इसका कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ये LF1 है स्पीकर के लिए, LF2 है, और साथ में ये जो है मेन ये ट्यूटर के लिए HF के लिए है, और साथ में ये जो है हम लोग इसमें टेपिंग कर रहे हैं, ये जो है मेन लाइन इन है। तो यहाँ पे हम लोग स्पीकर अभी कनेक्ट करने वाले हैं, तो वीडियो पे बना रहे हैं। तो गाइस इसको हम लोग ये नेटवर्क को यहाँ पर प्लेस कर दिए, अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे स्पीकर को और साथ में HF को, HF ड्राइवर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो गाइस हमारा ये नेटवर्क प्लेट के साथ में L1 जो स्पीकर कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा कंप्लीट होने वाला है, और साथ में ट्यूटर भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद में हम लोग दूसरा L2 जो है वो भी कनेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग दूसरा स्पीकर भी कनेक्ट करने वाले हैं, और ये कनेक्शन के बाद में इसका टेस्टिंग भी करेंगे। तो अभी ये कनेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो हमारा ये कनेक्शन हो रहा है, और इसको कनेक्शन के बाद में हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया गाइस, ये जो नेटवर्क प्लेट है उसे देखिए 600 वाट तक आउटपुट दे देता है, और हम लोग लगा रहे 500 वाट का 15 इंच में दो स्पीकर लगा रहा है, और जिसका आउटपुट RMS जो है 500 वाट, और ट्यूटर जो है 80 वाट का लगा रहे है गाइस। तो गाइस हमारे यहाँ पर स्पीकर फिटिंग हो रहा है। और गाइस हमारे यहाँ पर फिटिंग हो रहा है जाली जिसका नेट है ये, और देख सकते हैं आप इसका मॉडल SRX सीरीज का है, JBL SRX सीरीज का जो कॉपी मॉडल है, और ये जो जाली जो है RCF मॉडल में है, और काफ़ी बढ़िया लगता है गाइस, जैसे कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, और जो आपने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को, मेरा जो DJ ब्लॉग करके एक जो वीडियो था गाइस, उसमें आप लोग काफ़ी प्यार दिए, वो करीबन 50K व्यूज पार कर चुका है विथ इन अ वीक। तो बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो बहुत सारे ने क्वेश्चन भी किया कि उसका जो है टोटल कॉस्टिंग, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा टॉपिक वही रहेगा गाइस कि उसका टोटल कॉस्टिंग क्या है। तो बने रहिए, और हम लोग दूसरा स्पीकर भी फिट करते हैं, दूसरा बॉक्स भी फिट करते हैं। तो गाइस हमारा दूसरा बॉक्स भी रेडी हो रहा है, और यहाँ पर स्पीकर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और ये भी डालेंगे स्पीकर इधर डालेंगे। तो ये रहा, और कल मैं तो गाइस इसका मैं जो टेस्टिंग वीडियो कल बनाऊंगा, तो आपको हो सकता है कि ये जो वीडियो थोड़ा लेट आए, फिर भी आप तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना भी ना भूले। तो गाइस हमारे यहाँ पर दोनों स्पीकर और साथ में HF कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग बॉक्स में फिट कर चुके हैं, अभी इसका जाली डालना ही सिर्फ बाकी है, और इसके बाद में कल मैं टेस्टिंग करूँगा इसका। तो अभी फिर जाली डालते हैं गाइस। तो गाइस दोनों में हम लोग नेटवर्क बोर्ड फिटिंग कर चुके हैं, और यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी हम लोग डाल चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग दोनों टॉप रेडी हो चुका है, अभी हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं इसका। गाइस कैसा लगा आपको इसका साउंड, और जैसे कि मैंने ये नेटवर्क लगा के आप लोग को दिखाया, और काफ़ी मुझे तो अच्छा लगा इसका परफॉर्मेंस। तो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद वंदे मातरम।